आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान के अंदर किस एनपीके को या फिर बोरोन को किस फंगिसाइड के साथ डाल सकते हैं ताकि हमारे धान के अंदर किसी भी तरह की जो परेशानी है वो ना देखने को मिले। अगर हम बात करें एनपीके 05234 की, तो 05234 को सही प्रयोग करने का जो समय है वो रहता है हमारा गोब अवस्था से पहले, यानी कि जब हमारी जो पाइप है, जो नली है, जो शाखा है वो फूल जाती है, बाली निकलने के लिए हमारा जो पौधा है वो तैयार है, उस अवस्था के अंदर आप एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 80 से लेकर 100 ग्राम जो बोरोन है वो यूज़ करना है। एनपीके की जो मात्रा है वो आपको लेनी है 1 किलोग्राम करीबन 120 से लेकर 130 लीटर पानी के साथ। इसके साथ साथ आप जो फंगीसाइड है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कौन सा जो फंगीसाइड है आप एनपीके के साथ यूज नहीं कर सकते, खास करके मैं धान की बात कर रहा हूँ। एक आता अपना फोलिक्योर टेबुकानाजोल जिसके अंदर 25% में दिया होता है, और दूसरा आता है बायर कंपनी का ब्यूनोस जिसके अंदर 38% में जो टेबुकानाजोल है वो दिया होता है, और एक आता अपना ट्राइसाइक्लाजोल जिसे आप बाण एक्स्ट्रा कुछ भी बोल देते हो, ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP जिसकी मात्रा आती है, इन्हें आप एनपीके के साथ नहीं मिला सकते। कारण यह है कि ये जो फंगीसाइड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग या फिर गर्म फंगीसाइड है, अगर आप इन्हें एनपीके के या फिर बोरोन के साथ मिलाते हो तो हमारा जो एनपीके या बोरोन है वो पहले से थोड़े से हार्ड होते हैं, तो ये हमारी पत्तियों के ऊपर जो नोक है उन्हें जला देता है या फिर हमारा जो पौधा है उसे हल्का रेड कलर का बना देता है। जिस भी किसान साथी ने इन सभी फंगीसाइड के साथ अगर एनपीके की मात्रा का प्रयोग किया है तो उन्हें पता चल गया होगा शायद उनका जो धान है वो हल्का रेड या फिर जो बर्निंग है वो आ चुकी है। उसके बाद में बात आती है एनपीके 0050 की। जिस समय हमारा जो दाना है उसके अंदर दूध भर रहा होता है, यानी कि जो बूर है वो जड़ गया है, फूल है वो जड़ चुका है, लेकिन दाना भर रहा होता है, दूध भर रहा होता है, उस समय आप एनपीके 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। 05234 के साथ आपको जो बोरोन है वो अवश्य लेना है, क्योंकि बोरोन धान के अंदर काफ़ी सारा जो बेनिफिट है वो लेके आता है। बोरोन क्या करता है कि हमारा जो फूल होता है जिसे हम नर बाग बोलते हैं, एंथर जिसे बोल देते हैं अंग्रेजी के अंदर, वो एक नर बाग होता है। नर बाग की जो सेक्सुअल पावर है यानी कि जो संभोग करने की शक्ति है वो जो हमारा बोरोन है वो बढ़ा देता है। जिस तरह से पुरुषों में सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए हम अन्य कुछ भी खाते हैं, यही जो सेम कार्य है वो हमारा बोरोन करता है। कृपया करके बोरोन का जो उपयोग है वो जरूर करेंगे, क्योंकि बोरोन करीबन 50-60 रुपये का जो प्रति एकड़ खर्चा है वो आ जाता है, खर्च भी कोई ज़्यादा नहीं है। ध्यान रहे आप ट्राइसाइक्लाजोल, फोलिक्योर व ब्यूनस को छोड़ करके बाकी किसी भी तरह का फंगीसाइड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अलग अलग गोल बना करके आप एनपीके के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये जो तीन तरह के फंगीसाइड है इन्हें आप एनपीके के साथ प्रयोग ना करें। अगर आप इन्हें एनपीके के साथ प्रयोग करते हो तो आपकी जो झंडा पत्ती, जो फ्लैग लीफ है या फिर अन्य जो पत्ती है उनके अंदर हल्की जो बर्निंग है वो दिखाई देती है, आगे चलकर क्लोरोफिल बनाने में या फिर खाली दाना रहने के वाली जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों एनपीके से रिलेटेड या फिर फंगीसाइड से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। धन्यवाद किसान साथियों।